उपखंड क्षेत्र में वर्तमान संचालित समस्ती मित्र कियोस्क संचालकों ने मंगलवार को राजस्थान ई मित्र संचालक संघ ब्लॉक अध्यक्ष रतन लाल कीर के नेतृत्व में ई मित्र से संबंधित विभिन्न समस्या के निराकरण हेतु 12 सूत्री मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कपूर शंकर मान को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। ई मित्र संचालक सोनू सिंह अड्डाना ने बताया कि राजस्थान ई मित्र संचालक संघ ब्लॉक राशमि द्वारा ज्ञापन दिया और बताया कि ई मित्र कियोस्क एक ऐसी कड़ी है जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना का सीधा लाभ योजनाधारी को योजना का लाभ देता है, परंतु आज ई मित्र धारकों को सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को 3,500 रुपए भत्ता प्रतिमाह दिया जा रहा है, परंतु ई मित्र संचालकों को इतना भी नहीं मिलता है। ज्ञापन में ई मित्र कियोस्क संचालकों की विभिन्न 12 सूत्री मांग है, जिसमें प्रमुख मांग सरकार द्वारा LSP को दिया जाने वाला कमीशन हटाकर सीधे ई मित्र धारक के खाते में देना, राजस्थान सरकार की विभिन्न भर्तियों में ई मित्र संचालक को प्राथमिकता देने, जो ई मित्र धारी राजीव गांधी सेवा केंद्र में नियमित रूप से पिछले 7 सालों से लगातार वह ई मित्र प्लस ऑपरेटर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, सरकार उसको स्थायीकरण करे, वर्तमान में दिया जाने वाला कमीशन में वृद्धि की जाए। ई मित्र कियोस्क के खिलाफ झूठी शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई जाए। ऑनलाइन आवेदनों का 7 दिन में निस्तारण करने, सरकारी मित्र धारकों को सहकारी बैंकों से 1 लाख तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा देने, मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ई मित्र धारकों को राजस्थान में भी स्थायी भत्ता दिया जाए, साथ ही सरकार के मनमानी पूर्ण रवैये के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल कर राज्य सरकार की समस्त योजनाओं का पूर्ण बहिष्कार तब तक करेंगे जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी। ज्ञापन के दौरान पीयूष कुमार शर्मा रुद्र नारायण लाल जाट मात्री कुंडिया सुरेश चंद्र पुरबिया ओपरेडा प्रेम शंकर भिलपहुना आशीष जोशी डिंडली शोभा लाल जाट पावली अनिल हिगन भीमगढ़ कैलाश चंद्र रेगर राशमि हीरा सिंह रावत सोमवर वैलोका खेड़ा टूलाल बैर व सांखली प्रहलाद सुखवाल बारू कैलाश चंद्र गाडरी मुरली जगदीश चंद्र तेली चटावटी कालूराम सालवी और अन्य आदि ई मित्र कियोस्क संचालक उपस्थित थे।